हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले सुपरस्टार अक्षय कुमार के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो के साथ। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में हुआ। अक्षय कुमार का वास्तविक नाम है राजीव हरिओम भाटिया। अक्षय कुमार ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। मार्शल आर्ट्स में उनकी गहरी रुचि है। मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए वे बैंकॉक भी गए थे और खाली समय में वहां पर उन्होंने शेफ तथा वेटर की नौकरी भी की। बाद में मुंबई आकर उन्होंने मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनके यहां सीखने के लिए एक स्टूडेंट था जो कि एक फोटोग्राफर था। उसने अक्षय कुमार जी को कहा कि वे दिखने में हैंडसम है और उन्हें मॉडलिंग में किस्मत आजमानी चाहिए, और मॉडलिंग में अक्षय कुमार को जल्दी ही मौका मिल गया। मॉडलिंग के लिए उन्होंने 2 दिन तक शूटिंग की और उन्हें उतने पैसे मिल गए जितना वे मार्शल आर्ट सिखाकर हर महीने में कमाते थे। बस फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो मॉडलिंग और फिल्म लाइन में आएंगे। मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर भी लगाने लगेंगे। एक बार बेंगलोर उन्हें एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए जाना था और उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। खाली वक्त का उपयोग करते हुए वो एक फिल्म निर्माता के दफ्तर में गए और उन्हें शाम तक की प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म दीदार में हीरो का रोल मिल गया। अक्षय कुमार ने महेश भट्ट की फिल्म आज 1987 में एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की छोटी सी भूमिका निभाई थी जो मात्र 7 सेकेंड की थी। अक्षय कुमार को जब पता चला कि राजेश खन्ना जय जय शिवशंकर नामक फिल्म बनाने जा रहे हैं और एक युवा कलाकार की ज़रूरत है, तो वे काका के दफ्तर जा पहुँचे। 2-3 घंटे तक उन्होंने इंतज़ार किया लेकिन राजेश खन्ना उनसे न मिले ही चले गए। अक्षय कुमार कहते हैं कि उन्होंने उस दिन सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन राजेश खन्ना की बेटी के साथ विवाह करेंगे। अक्षय कुमार के पैर बॉलीवुड में दम गए। अक्षय कुमार के पैर बॉलीवुड में जम गए और धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर्स आने लगी, तो उन्होंने ढेर सारी फिल्में साइन कर दी। 1994 में तो ये हाल था कि अक्षय कुमार की 4-5 फिल्म नहीं बल्कि 11 फिल्में रिलीज हुई। उनकी 8 फिल्मों के नाम में खिलाड़ी शब्द आया है, इसलिए अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार ही कहा जाता है। खिलाड़ी नामों वाली ज़्यादातर फिल्में हिट हुई है। अक्षय कुमार महिलाओं की बेहद इज्जत करते हैं और उन्हें पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर मानते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कई तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।